पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है। आज हम आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट आई है जो 13.6 की है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इस अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। और इस अपडेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी भी लाभार्थी को आप लोग ऑफलाइन मोड यानी बिना नेट के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ये जो अपडेट आया था 13.3 में ही आया हुआ था। जब 13.3 आया था तभी अपडेट आया था और उसके बाद आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो क्रैश हो चुका था। फिर कुछ टाइम बाद ये जो ऑप्शन है इसको हटा दिया गया था। तो देखिए फिर से दोबारा यहाँ पे इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। और जो दूसरा अपडेट है माइनर बग फिक्सेस, यानी कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आप लोग के पोषण ट्रैकर ऐप में हो रही है उसको यहाँ पर ठीक किया गया है। इस वीडियो में हम इसको अपडेट करके और दिखाते हैं आपको कि लाभार्थियों को ऑफलाइन मोड में कैसे ऐड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपडेट वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं आपको यहाँ से अपडेट कर लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पोषण ट्रैकर से रिगार्डिंग जो भी जानकारी हो समय समय पर देते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो वाईफाई वाला यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन पहले दिखा रहा था 13.3 में फिर हटा दिया गया था, तो देखिए फिर से यहाँ पे वो ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो अभी कोई डाटा नहीं है। तो चलिए इसका जो नेट है उसको हम बंद कर दे रहे हैं। बंद करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वर्किंग ऑफलाइन विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, यानी कि आप लोग अगर किसी भी लाभार्थी को इसमें ऐड करते हैं जिसको आप लोग यहां पे ऐड करेंगे वो 3 दिनों के लिए यहां पे वैलिड रहेगा। तो चलिए यहां पे जो लर्न मोर का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके इसका टर्म एंड कंडीशन समझ लेते हैं। पहले देखिए यहां पे बता रहा है पोषण ट्रैकर इज़ वर्किंग ऑफलाइन मोड, यानी इस प्रकार से दिखाएगा आपका, तो आप लोग समझिएगा कि आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो ऑफलाइन मोड में वर्क कर रहा है। यहाँ पे पहला दिया गया है डाटा विल बी अवेलेबल फॉर लास्ट 3 डेज इन द ऑफलाइन मोड, यानी कि डाटा आपका जो अवेलेबल रहेगा वो 3 दिनों के लिए ही यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ऑफलाइन मोड में। 3 दिनों के अंदर जब भी आप नेट ऑन करेंगे तो ये आपका जो डाटा है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है ओनली डेली ट्रैकिंग एंड न्यू बेनिफिशरी कैन बी एडेड, यानी कि आप लोग इसमें 2 काम कर सकते हैं, पहला डेली ट्रैकिंग एंड दूसरा न्यू बेनिफिशरी ऐड। आप लोग ऑफलाइन मोड में ये दोनों काम कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तीसरा है लिस्ट ऑफ न्यू बेनिफिशरी एडेड विल बी अवेलेबल इन द ऑफलाइन चार्ट, तो आपका ऑफलाइन चार्ट जो है वो दिखाएगा कि आपका न्यू बेनिफिशरी वहाँ पर ऐड हुआ है। और यहाँ पर 4th नंबर में दिया गया है होम विजिट शेड्यूलर ड्यू टूडे या अपकमिंग का जो लिस्ट आप लोग देखते हैं, यहाँ पर बता रहा है कि लास्ट विजिट लिस्ट कैन ओनली बी व्यूड, यानी कि आप लोग होम विजिट शेड्यूल में सिर्फ उसको देख सकते हैं ड्यू टूडे या अपकमिंग वाले लिस्ट को, लेकिन वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नोट में दिया गया है प्लीज़ नोट फर्स्ट टाइम द लिस्ट नीड टू बी डाउनलोडेड इन द ऑनलाइन मोड, यानी कि पहली बार आपको जो लाभार्थी हैं उनको एक बार डाउनलोड करना पड़ जाएगा ऑनलाइन मोड में अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम सारा प्रक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से होगा ये ऑफलाइन मोड में काम। तो चलिए यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं और लाभार्थी को भी जोड़ेंगे। देखिए पहले यहाँ पे गर्भवती महिला की लिस्ट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑफलाइन मोड में ये सभी लाभार्थियों का नाम दिखा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में। यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन भी पहले दिया गया था फिर हट गया, लेकिन फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे किसी एक लाभार्थी के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिख रहा है, दिस फंक्शनैलिटी इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल इन द ऑफलाइन मोड, यानी कि अभी आप लोग ऑफलाइन मोड में है यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जो लाभार्थियों को इसमें प्रोफाइल अपडेट या कुछ भी आप लोग ऐड करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनका नया नाम जोड़ सकते हैं और आप लोग दैनिक ट्रैकिंग में हाजिरी बना सकते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर दिखा रहा है सभी कैटेगरी में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग होम विजिट में भी जाएंगे तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं होम विजिट वाले में ड्यू टू डे अपकमिंग और जो लेट वाली ऑप्शन है सिर्फ यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं
कोई भी वर्क इसमें या सबमिट इसको नहीं कर पाएंगे। इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए लिख रहा है, फिर से वही लिख रहा है मैसेज कि आप लोग ऑफलाइन मोड में है, यहाँ पे आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए बताया गया है उस मैसेज में। चलिए अब हम यहाँ पे किसी एक लाभार्थी को अब ऐड करके देखते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक लाभार्थी को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम किसी एक बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जो भी इसमें डिटेल पूछ रहा है सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, जो भी डिटेल से इसमें पूछ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। यहाँ पे आप लोग ऑफलाइन मोड में नाम को ऐड कर सकते हैं किसी भी लाभार्थी को। देखिए यहाँ पर हमने जिसको ऐड किया है वो यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, शायद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी जिसको हमने ऐड किया है वो अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि पहली बार आपको लाभार्थी ऐड करने के बाद जो लाभार्थी हैं उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। पहली बार लाभार्थी को ऐड करने के बाद यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे उस लाभार्थी का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। उसके लिए आपको एक बार नेट ऑन करना पड़ेगा। नेट ऑन जैसे ही करेंगे, नेट ऑन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लाभार्थी अभी दिखा रहा था, यानी जो बच्चा यहाँ पे दिखा रहा था वो यहाँ से हट चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, नेट ऑन कर लेना है और यहाँ पर जो रिफ्रेशिंग वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो जिस भी बच्चे का या जिस भी लाभार्थी का आप लोग नाम ऐड किए हैं नेट ऑन करके यहाँ पर आप लोग ये काम करेंगे तो यहाँ पे जिस बच्चे का नाम हमने ऐड किया था तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, यानी यहाँ पे उसका नाम ऐड हो चुका है। इस प्रकार से ये ऑफलाइन मोड वर्क कर रहा है, आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, ऑफलाइन मोड में एक लाभार्थी को ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर लाभार्थी का नाम दिखाएगा तो आप लोग एक बार नेट ऑन कीजिएगा और नेट ऑन करने के बाद ये जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो जो जिस भी लाभार्थी का आप लोग नाम ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। तो चलते चलते एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि किसी भी लाभार्थी का जो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन बदल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गर्भवती महिला कैटेगरी है और यहाँ पे जो एरो वाला निशान आप लोग देख रहे थे तो वो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप लोगों को उस लाभार्थी का रिकॉर्ड देखने के लिए किसी भी लाभार्थी के नाम के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उस लाभार्थी का सारा बायोडाटा निकल जाएगा कि उस लाभार्थी का आधार वेरीफाइड है या नहीं है। आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है। आधार नंबर देख सकते हैं इस प्रकार से दिखा रहा है, उनका मोबाइल नंबर, अपडेट कितना तारीख को किए हैं, ये सभी चीज़ इस प्रकार से यहाँ पे बदल दिया गया है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा बदलाव हमें नज़र आया तो हम सोचे कि आपको बताते चले। तो इस प्रकार से किसी भी लाभार्थियों को आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे उनका स्टेटस, जैसे कि पहले यहाँ पे एरो पे क्लिक करके देखते थे। चलिए यहाँ पर जो बच्चों की कैटेगरी है, जैसे कि हाइट वेट डालने के बाद यहाँ पर एरो पे क्लिक करके देख लेते थे कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो देखिए उसके लिए फिर से अब आपको यहाँ पे किसी एक बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका सारा बायोडाटा निकल जाएगा कि उस बच्चे का हेल्थ स्टेटस क्या है। जैसे कि यहाँ पे हाइट वेट के साथ मोबाइल नंबर और किस तारीख को अपडेट किए हैं, सारा डिटेल्स, एज, जेंडर, सभी चीज़ इस प्रकार से यहाँ पर नया बदलाव कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी बच्चों की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। और बाकी 13.6 में कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो उम्मीद है हमने आपको 13.6 की जितने भी ज़रूरी जानकारी थी उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।